हेलो, मैं सोनू कुमार और अभी मेरे सामने खड़ी है अर्बन क्रूजर हाई राइडर। अर्बन क्रूजर से आप ये मत समझना कि अर्बन क्रूजर है, ये हाई राइडर दूसरी ही गाड़ी है, वो बिल्कुल न्यू गाड़ी है। बाकी इसकी प्रेजेंस जो है रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा भयानक है। बाकी इधर से आप देखोगे तो थोड़ा एग्रेसिव टाइप की जो है वो फॉर्च्यूनर से कहीं ना कहीं मैच करती है। जो साइड वाइज लुक है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, वो ऐसे मैच करती है। बाकी इधर जो देखोगे बहुत ही बड़ी मैसिव टाइप की जो आपको ग्रिल मिलेगी, फ्रंट ग्रिल, और सेंटर में लोगो मिल जाता है। और ये जो आप देखोगे ये पूरी की पूरी ढकी हुई है पियानो ब्लैक फिनिश से, जो कि आप देखने में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव टाइप की मिल रही है। यहाँ आपको क्रोम का यूज़ मिल जाता है और यहाँ आपको DRLs के साथ साथ टर्निंग इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और हेडलैम्प्स यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि प्रोजेक्टर में मिलेंगे आपको। और इस साइड से गाड़ी की लुक कुछ ऐसी दिखती है। और अलावेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसी डिज़ाइन के अलावेंस मिलेंगे जिसमें आपको सेंटर में टोयोटा के लोगो मिल जाएगी। टाइप प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ 215/60R17 के अलावेंस मिल जाते हैं जो काफ़ी बड़े साइज के हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाएगा। और रेयर की बात करें तो रेयर में भी आपको जो है वो डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं सेम डिज़ाइन के साथ। और पीछे की बात करें तो पीछे से गाड़ी जो कोई भी नहीं पहचान पाएगा, अगर वो इस गाड़ी के बारे में नहीं जानता तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन सी गाड़ी है टोयोटा के लोगों के साथ। यहाँ पे आपको अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बेजिंग देखने को मिल जाएगी, बीच में आपको टोयोटा के लोगो मिल जाएगी और इस साइड आपको जो है वो वी के भी बेजिंग मिल जाएगी। जो वी वेरिएंट है वो वेरिएंट के भी यहाँ पे आपको बेजिंग मिल जाएगी। इधर हम बात कर लेते हैं, यहाँ आपको डिफोगर, वाइपर और यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप तीनों ही अवेलेबल हो जाता है। इधर आप देखोगे सार्फिन एंटीना भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। बाकी ये जो टेल लैंप्स है वो काफ़ी अलग ही डिज़ाइन की है, तो देखने में गजब की एग्रेसिव टाइप की लुक जो है वो सबसे हटके है गाड़ी की। यहाँ पे आपको बैकलाइट्स मिल जाते हैं और रिफ्लेक्टर भी देखने को यहीं पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको सिल्वर टाइप की ग्रे कलर में आपको स्किड प्लेट्स मिल जाएंगे। और इधर पार्किंग सेंसर जो है वो आपको 4 देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कैमरा प्लेस किया हुआ देखने को मिल जाती है आपको। ये हो गई गाड़ी के पीछे की लुक। इस साइड से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। इस साइड में आपको जो है फ्यूल लिड ओपनर भी यहीं देखने को मिल जाता है, फ्यूल लिड। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, वहीं हम इसको प्रेस करके इंटीरियर को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने ये देखा कि अगर आप रिक्वेस्ट सेंसर को प्लेस करोगे या फिर यहाँ से अनलॉक करोगे तो जो ORVM है वो फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते, बस लॉक करने पे फोल्ड हो जाते हैं, अनफोल्ड अनलॉक करने पे नहीं होते। तो ये होगी डोर पैनल्स। डोर पैनल्स में आपको जो काफ़ी ज़्यादा लेदर का यूज़ और सॉफ्ट टच का यूज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये ORVM के कंट्रोल्स। और यहाँ जो ये आपको मिलेगी वो भी आपको सिल्वर टच में डोर ओपनर मिलेगी और ये भी आपको सिल्वर में देखने को मिलता है और ये क्रोम में मिलेगी। बाकी ऐसे कुछ बोतल होल्डर्स स्पेस मिलेगी और यहाँ स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। ये हो गई गाड़ी के इंटीरियर। अब हम गाड़ी को अंदर से देख लेते हैं। अभी जो मैं ORVM के बारे में जो बात कह रहा था वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे वो प्रेस होने के बाद जो है वो ORVM जो ऐसे ओपन हो जाते हैं। बाकी ये जो रिमोट से है आपको वो ORVM जो है सिर्फ वो लॉक होते हैं, अनफोल्ड नहीं होते। तो ऐसे ही कुछ आपको इसमें 9 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है और ऐसी कुछ इसमें आपको मीटर्स मिल जाती है। जैसे ही गाड़ी को एक बार और बटन प्रेस करोगे तो ऐसी कुछ जो है वो सब आपको इनविजिबल हो जाती है, विजिबल हो जाती है। और इधर आप जो देखोगे तो ऐसी कुछ आपको इसमें मीटर मिल जाती है। जो मीटर है उसमें आपको यहाँ RPM मीटर मिल जाते हैं और इस साइड आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। बाकी जो सारा है क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और ये जो इन्फो ये मीटर की जो कंट्रोल्स है वो सारे इधर दिए गए हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इधर आपको कोई भी कंट्रोल्स मीटर्स के देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी सारे इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स इधर मिलेंगे और कुछ टेलीफोनिक कंट्रोल्स इधर मिल जाते हैं। स्टेरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ इस वेरिएंट में वो टिल्ट करने का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक स्टेरिंग इसमें नहीं मिलती है। सेंटर में आपको टोयोटा की लोगो मिल जाएगी और डी कट स्टेरिंग इसमें ना देखने को मिलती है। इधर आपको सिल्वर टच देखने को मिल जाता है, जो अच्छी खासी लुक जो है गाड़ी की वो थोड़ी सी नई है, क्योंकि गाड़ी ही पूरी नहीं है तो थोड़ी सी लुक भी है वो भी नहीं आ जाती है। बाकी आपको ग्रैंड विटारा, विटारा ब्रेजा जैसे देखोगे, ग्रैंड विटारा की जो गाड़ी है वो भी सेम ही गाड़ी है, बस थोड़ा सा उसमें नाम का फर्क है और कंपनी का फर्क है।
इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको केबिन लैंप ऐसे हैलोजन में देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाती है, और एक चीज जो है इसमें आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाता है, जो पैनारोमिक सनरूफ है, बहुत ही बड़ी सी सनरूफ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इस साइड आपको ऐसे टिकट होल्डर्स मिल जाते हैं वैनिटी मिरर्स के साथ, यहाँ भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है टिकट होल्डर में। इस साइड आपको ग्रैब हैंडल्स दिया गया है, और सीट की बात करें तो चार एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो वी वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे, अभी मैं वी वेरिएंट में बैठा हूँ। और सीट की बात करें तो सीट जो है वो आपको लेदर देखने को मिल जाता है, और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया जो कि एडजस्टेबल है, आगे पीछे इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और इसके नीचे कुछ स्पेस वगैरह दिया गया जो कि सामान रखने का यूज आराम से ले सकते हो आप। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिलते हैं, और ये मैनुअली हैंड ब्रेक मिल जाता है। गाड़ी जो है वो आपको 5-speed गियरबॉक्स के साथ आती है, हमारी ये जो है वो मैनुअल है, आप ऑटोमेटिक वेरिएंट में भी जा सकते हो, ऑटोमेटिक वेरिएंट भी इसमें अवेलेबल है। और इधर जो है यहाँ फोन वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है, यहाँ चार्जिंग सॉकेट USB 12 वोल्ट की, और ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक AC है, यहाँ से आप ऑटो को जैसे ही बटन प्रेस करोगे वो AC जो है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी टेम्परेचर के। और इधर आपको ट्रैक्शन के बटन मिलते हैं, और यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, और ये जो आप देखोगे वो 360 व्यू के लिए आपको जो है वो यहाँ से आप प्रेस करके 360 व्यू का आनंद आराम से ले सकते हो। बाकी सेटिंग से आपने जाके कोई भी व्यू जो है वो आप चूज कर सकते हो, इधर से फ्रंट व्यू रियर व्यू यहाँ से आप चूज कर सकते हो, इधर देखना वो सब अलग बात है, तो यहाँ आपको ऐसे कुछ मिल जाते हैं। अब बाकी इसमें आप देखोगे तो होम में जाके आप यहाँ पे एवरेज वगैरह सब कुछ देख सकते हो, एकदम डिटेल में जाके ये सब वगैरह सब चीज यहाँ से आपको मिल जाती है। बाकी एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों का सपोर्टेड है, और सब कुछ इसमें एकदम इजिली एक्सेस हो जाता है। बाकी इसमें आपको वॉइस सर्च भी मिल जाती है, वॉइस कमांड भी देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ हो गई इसकी इंफोटेनमेंट्स की बात, बाकी हम माइलेज वगैरह की बात करेंगे और ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे तो गाड़ी में वीडियो में, आगे बने रहे। ग्लब बॉक्स की बात करें तो ग्लब बॉक्स भी काफी मतलब डिसेंट साइज की मिल जाती है, इधर आप देखोगे तो ये सब जितने भी दिख रहे हैं आपको वो आपको लेदर में मिलेगा, और यहाँ से जो वो सिल्वर टच का यूज हो रहा है वो ऐसे जाके यहाँ खत्म हो रहा है, और फिर बीच में आपको सिल्वर टच वैसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिल्वर टच मिलेंगे, और इधर से जाके ये ऐसी कंटिन्यू हो रही है। एसी वेंट्स भी आपको ऐसे डिजाइन के कुछ देखने को मिल जाते हैं जो ठीक है, थोड़ा सा नया लुक है। तो ये हो गई गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, यहाँ पे आपको IRVM भी है जो ऑटोमेटिक देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी अंदर से इतनी ज्यादा स्पेसियस और कंफर्टेबल है कि बहुत ही अलग लेवल का है, ये क्रेटा और सेल्टोस की कॉम्पिटिटर है। बाकी इधर आप देखोगे तो थोड़ी सी अलग लुक आ जाती है गाड़ी को निकल के, ये गाड़ी जो है वो अभी मारुति की सुजुकी की तरफ से जाओगे तो आपको ग्रैंड विटारा के नाम से मिलेगी, और अगर आप टोयोटा के लोगे तो अर्बन क्रूजर हाराइडर के नाम से मिलेगी। तो ऐसी कुछ लुक होगी जो दोनों गाड़ी में आपको लगभग सेम ही मिलेगी, बस लोगो और कंपनी का डिफरेंस बीच में आ जाता है। अब हम चलते हैं सेकेंड रूम में और देख लेते हैं उसकी कंफर्टनेस। डोर पैनल की बात करोगे तो यहाँ भी आपको ब्लैक फैन फ्रेश में मिल जाएगी डोर पैनल, और यहाँ पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाएगा, और इधर बोतल होल्डर का कुछ स्पेस वगैरह मिल जाएगा। बाकी हम इंटीरियर को देख ले तो इंटीरियर भी काफी जो ब्रॉड है सीट की। बाकी हम अंदर जल के देखते हैं, तो ऐसी कुछ गाड़ी के इंटीरियर आपको देखने को मिल जाते हैं, और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तो थर्ड पर्सन के लिए भी पूरा पूरा इंतजाम है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, यहां से मैं दिखा देता हूँ खोल के, ये होगी आपकी आर्मरेस्ट, इसमें आपको 2 कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाता है, और ये जो पूरी सीट है वो आपको लेदर में देखने को मिलेगी, पूरा लेदर की क्वालिटी की बात करें तो वो भी अच्छी है। इधर आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है, यहाँ आपको ग्रैब हैंडल्स टोइंग हुक, इस साइड भी आपको रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाती है, और यहाँ टोइंग हुक वगैरह के साथ साथ
ये ग्रैब हैंडल्स भी यहीं पे देखने को मिल जाता है। तो ये होगी आपकी सेकेंड रो। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे इसके लेबलर मिल जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट और कुछ फोन वगैरह रखने का यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई इसकी सेकेंड रो। बाकी सनरूफ है, ठीक साइज की सनरूफ है, बाकी उतनी बड़ी नहीं है जैसी कि बाकी की पैनारोमिक सनरूफ आती है। ये भी ठीक है, बड़ी है साइज में। अब पीछे हम देख ले, तो पीछे आपको पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये जो सीट बेल्ट लटकी हुई नजर आ रही है। बाकी ठीक है। तो ऐसी कुछ हो गई इसकी कम्फर्टनेस की बात, कम्फर्ट भी काफी ज्यादा, गाड़ी जो है कम्फर्टेबल है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, लेग रूम भी काफी ज्यादा इनफ है। तो ठीक है, गाड़ी कंफर्टेबल है, गाड़ी की हाइप बहुत ही ज्यादा बनी हुई है अभी। बाकी क्रेटा और सेल्टोस को टक्कर तो दे ही रही है। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इसकी क्रैश टेस्ट शायद अभी तक हुई नहीं है, तो होगी तो उम्मीद करते हैं कि ये भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे। बाकी आप सेल्टोस और क्रेटा की परफॉर्मेंस तो जान ही चुके हो, वो सब 3 स्टार रेटेड है। बाकी हम उम्मीद कर सकते हैं इससे कि कम से कम ये 4 स्टार रेटेड गाड़ी निकल जाए। तो यहां से आपको ऐसी कुछ लुक मिलेगी गाड़ी की। कीज की बात कर ले तो कीज यहीं पे आपको देखने को मिल जाती है, ऐसी कीज आपको ऐसी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको टोयोटा की लोगो मिल जाएगी, जो बाकी इटिगा और बलिनो को मिलती है ना मारुति की गाड़ियों में, वैसे ही सेम कीज है, बस यहाँ तो कंपनी के लोगो का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 2 कीज मिलती है इसमें सेंसर्स वाले, बाकी यहाँ 2 ही आपको बटन मिलेंगे लॉक अनलॉक करने के लिए, और कोई बूट ओपनर का बटन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने ह्यूंडे और किया की गाड़ियों में दिखाया था। तो ये होगी गाड़ी की बात। अब हम चलते हैं थोड़ा बूट को भी एक्सेस करके देख लेते हैं, बूट की कैपेसिटी क्या है भी देख लेते हैं। यहाँ आपको इतनी बड़ी बूट मिलेगी, जो मैं डिस्प्ले कर दूंगा आपको बूट कैपेसिटी कितनी है। बाकी यहाँ 60-40 स्प्लिट सेट भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और ये हो गई इसकी टायर की स्पेयर व्हील्स। यहाँ पे इसकी साइज की बात करें तो 215/60 R17 की टायर प्रोफाइल, सेम जो ट्राई प्रोफाइल है वो आपको मिलेंगे। यहाँ आपको टोइंग हुक्स मिल जाते कुछ, और इस साइड आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ये जो है वो आपको कैबिन लैंप भी, यहाँ बूट लैंप देखने को मिल जाता है, और यहाँ चार्जिंग सॉकेट। तो ये हो गई इसकी बूट की बात, और यहाँ आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। वैसे तो गाड़ी के साथ 6 एयरबैग्स मिलेंगे आपको, तो सेफ्टी में भी कम नहीं है गाड़ी। बाकी इधर आपको कैमरा तो यहाँ पे दिखा ही चुका हूँ मैं। ये हो गई गाड़ी के लुक। कंपनी जो क्लेम करती है 21 किलोमीटर की माइलेज जो है वो आपको क्लेम करती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। अब यहाँ पे आपको फ्यूल लिड मिल जाएगा। तो ये थी गाड़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।